सो भैया मंदिर तो हम घूम के आ गए और मंदिर बहुत ब्यूटीफुल लगा, जगह भी बहुत अच्छी थी एंड स्टेप्स चढ़ने में मज़ा आए। ऊपर बाबा जी थे जो पुजारी थे मंदिर के, तो वो कहते थे कहने लगे कि ये ट्रस्ट का मंदिर है तो मंदिर के अंदर का आप वीडियो शूट नहीं कर सकते हो। तो हमें मंदिर के अंदर तो जाने को नहीं मिला, बट बाहर से जो हमारा व्यू था वो बहुत औसम था, बहुत ब्यूटीफुल था एंड स्टेप्स हम सारे चढ़ के ऊपर गए एंड धूप इतनी थी कि हमें पसीना निकलने लगा, बट स्टिल मज़ा आया घूमने में एंड अच्छा लगा कि चलो हम लोग कहीं तो कुछ तो करके आए, वीकेंड हमारा ख़राब नहीं गया घूमते फिरते एंड हम लोगों ने बस इंजॉय कर लिया है एंड बस वॉक करके अब नीचे आ गए हैं जहाँ से हमारी बाइक लेंगे एंड हम लोग यहाँ से नेक्स्ट जाने वाले हैं आगे सासवड़ की तरफ घूमने। एंड यहाँ की जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी है, बहुत ब्यूटीफुल है एंड इस रोड पे पहले भी मैं बहुत बार आया हूँ एंड आते ही रहता हूँ मैं बीच बीच में यहाँ पर कई बार। एक्चुअली मैं जहाँ रहता हूँ वो मेरे घर से ही है, जगह क्लोज भी है, बट सबसे बड़ी बात ये थी कि ये जो मेरे पीछे आपको मंदिर है जिस मंदिर में मैं आज गया था, आज तक मैं उस मंदिर में कभी जा नहीं पाया था तो आज मुझे जाने को मिला है एंड अच्छा लगा कि चलो कहीं नई जगह जाकर आए एंड ब्यूटीफुल प्लेस था। तो हाँ जस्ट फाइन एंड फाइनली वी आर बैक ऑन द ग्राउंड फ्लोर, तो हमारी गाड़ी के पास आ गए हैं। अब यहाँ से हम लोग वापस से जाएंगे, हमारा रास्ता पकड़ेंगे एंड हम लोग जा रहे हैं अभी सासवड़ की तरफ एंड विल सी। सो नवा दीदी आपको कुछ बोला है और ऑडियंस को, आओ यहाँ पर कभी सासवड़ का घाट घूमने नहीं आना और आओ तो कभी बारिश के सीजन में आना, धूप में मत आ जाना जैसे हम लोग आए। हम लोग धूप में आए और हम गर्मी में परेशान हो गए, इतने हम इतने सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर तक चढ़े और ऊपर हमें बाबा जी ने बोल दिया कि वीडियो नहीं बना सकते, इवन तो मंदिर में उन्होंने बोला करो ना तो अंदर नहीं जा सकते। तो हमने बोला कोई बात नहीं, हम बाहर भी भगवान जी की जय जयकार करके वापस आ गए एंड अब यहाँ से जो बाइक है अब हमारी रमा बाइक चलाई। सो हमारी रमा जो है बहुत अच्छी ड्राइवर है, सो फाइनली शी टुक द की एंड अब बाइक निकालने लगी है। अरे रमा जी कैसा लग रहा है आपको बाइक चलाते हुए, आगे देखो आप शौक मत देना किसी को, कुछ भी बोलो बस बाइक के ऊपर बैठकर चलने में मज़ा ही कुछ और आता है। फाइनली मुझे एक ड्राइवर मिल गई है जो मुझे घुमा सकती है एंड मैं आप लोगों की अच्छा अच्छा वीडियो शूट कर सकता हूँ। आपने लेफ्ट साइड में देख सकते हो कि जो व्यू है ये बहुत ज़्यादा ऑसम है, अब मुझे मज़ा आता है। जब गाड़ी चलाता हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ पाता जितना मज़ा अभी आ रहा है। आई कैन इन्जॉय द क्लाइमेट नाउ एंड आई कैन इन्जॉय द एवरीथिंग, सो नाइस अमेजिंग। हमारे पीछे हमें होटल वगैरह मिलते हैं एंड यहाँ के जो होटल थे प्लेस आर सो उन्होंने बनाया है, डेकोरेट किया है, प्लेस आर सो सम सो नाइस ब्यूटीफुल एंड एक्चुअली ये जो यहाँ का एक होटल है होटल रेट रहता है, सो मैं यहाँ पर डिनर कर चुका हूँ। डिनर की क्वालिटी तो इतनी कुछ खास नहीं मिली थी मुझे, लेकिन जो टाइम था बहुत अच्छा था, हमने जिस तरह से बनाया हुआ है जिस तरह से डेकोर किया बहुत ब्यूटीफुल एंड नॉट टू मच क्राउडी एंड गार्डन है एंड आइसक्रीम पार्लर है एंड बाकी सब कुछ सारी फैसिलिटी उसके अंदर एंड होटल इज़ वेरी नाइस। इफ यू कम हियर प्लीज हैव द डिनर हियर एंड यू कैन इंजॉय। फोटो शूट करने के लिए बहुत अच्छा गार्डन है उनके पास, वहाँ पर आपका फोटो शूट भी कर सकते हैं। बाइक के ऊपर से बैठ के इधर जा रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। हमेशा जब भी आया हूँ आज तक हमेशा मुझे ही गाड़ी चलाना था,